खनियाधाना में आज भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता आपस में मिलजुल कर कार्य करें और सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदेलिया ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बूथ लेवल पर कार्य करना है। इसको लक्ष्य को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना है। हम सभी को गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर देश का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र विरथरे ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्य करें। जिला भाजपा अध्यक्ष राजू बाथम ने संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों और कोरोना काल के बारे में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की समाप्ति पर कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर खनियाधाना भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदेलिया, जितेंद्र पुरोहित, कुलदीप सिंह चौहान, रईस यादव, सुरेंद्र कोटेदार, आकाश शर्मा, केपी राय, जगदीश साहू, सैयद फिरोज अली के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्य समिति की बैठक थी। देखिए, मध्य प्रदेश में कई मंडल ऐसे हैं जिनके मंडल अध्यक्ष बाद में घोषित हुए और कार्य समिति नहीं बन पाई, लेकिन चूंकि प्रांत का कार्यक्रम है कि प्रत्येक मंडल की कार्यकारिणी की बैठक हो, उसमें जो सेवा प्रकल्प है, जो सेवा संगठन है, उसके बारे में बात की जाए और बूथ कैसे मजबूत हो, नगर केंद्र ग्राम केंद्र कैसे मजबूत हों, उसके बारे में क्रमशः चर्चा की जाए। जो लोग कोविड से चले गए, कार्यकर्ता चले गए, नेता चले गए, उनको संवेदनाएं व्यक्त करें, उनको शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करें और कार्यकर्ताओं से, जिले के कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना, और जो नए कार्यकर्ता आए हैं उनका, चूँकि ग्वालियर संभाग में ज़्यादा लोग आए हैं, उनका सम्मिश्रण हो, मेल मिलाप। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल और कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण हमारी इस प्रकार की कार्य समिति की बैठकें अनवरत होती रहती हैं और इसी उद्देश्य से आज यह बैठक रखी गई है कि कार्यकर्ताओं को जो हमारे पुराने कार्यक्रम जो चले आ रहे थे, 21 जून को योगा दिवस का कार्यक्रम था, 23 जून को श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, 25 जून को आपातकाल का काला दिवस का कार्यक्रम था, 23 जून से लेकर और 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का और नदी, झील, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनकी सफाई का कार्यक्रम हाथ में लिया था कार्यकर्ताओं ने, उन सब की समीक्षा भी करनी थी और आगामी कार्यक्रमों की कार्यकर्ता बंधुओं से चर्चा करनी थी। इसी उद्देश्य से आज मंडल कार्य समिति की यह बैठक रखी गई।